नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, आइशर मोटर्स, टाइटन और यूपीएल, ये जो चार निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, ये किसी ज़माने में पैनी स्टॉक्स हुआ करते थे। दोस्तों, आपको सुन के काफ़ी हैरानी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा कि हमें भी आज पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करना चाहिए। दोस्तों, जो भी बिगनर्स होते हैं या जब हमने निवेश करना शुरू किया होगा स्टॉक मार्केट में, हमारा शायद एक आधा निवेश या हमने पैनी स्टॉक्स के अंदर ज़रूर निवेश किया होगा। दोस्तों, उसके पीछे कारण क्या होता है कि ये स्टॉक्स हमें काफी चीप लगते हैं, काफी सस्ते लगते हैं। हमें ये लगता है कि अगर मान लीजिए हम 10,000 रुपए निवेश कर रहे हैं तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। हम किसी 2,000 रुपए के स्टॉक के अंदर निवेश करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे हमें केवल 5 स्टॉक्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम 10 रुपए वाले स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं 10,000 रुपए, तो वहां पे हमें 1,000 शेयर्स मिलेंगे। तो इस वजह से जो भी बिगनर्स होते हैं, नए निवेशक होते हैं, उनका निवेश जो है पैनी स्टॉक से स्टार्ट होता है। दोस्तों, यहां पे दूसरा कारण ये होता है कि मान लीजिए कोई एक स्टॉक 10 रुपए का है तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि 10 रुपए से 15 रुपए या 20 रुपए पे जाना बहुत आसान है, ना कि 2,000 रुपए से 4,000 रुपए पे जाना। तो यहां पे अगर निवेश को डबल करना है तो हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि 10 रुपए से 20 रुपए का जो सफर है वो छोटा और बहुत आसान सफर है, ना कि 2,000 से 4,000 रुपए तक का सफर। तो दोस्तों, ये भी एक कारण होता है जो काफी निवेशक जो हैं पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक तीसरा कारण ये होता है कि अगर कोई स्टॉक मान लीजिए 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि ये और कितना नीचे जाएगा, जीरो तो होगा नहीं, या इससे नीचे कितना जाएगा। तो दोस्तों, ये सब बातें हमारे माइंड में चल रही होती है जब भी हम बिगनर होते हैं या स्टॉक मार्केट में नया नया निवेश कर रहे होते हैं, या दोस्तों कई निवेशक जो कि काफी समय से निवेश कर रहे हैं उनके माइंड में भी ये सब बातें चल रही होती हैं। इस वजह से पैनी स्टॉक्स के अंदर जो निवेशक हैं या ट्रेडर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करना चाहिए? उसके लिए आपको उसके फायदे क्या हैं, पैनी स्टॉक में निवेश करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अगर आप निवेश कर भी रहे हैं तो वहां पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी जानकारी आपको पेड कोर्सेज के अंदर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए की फीस लेके दी जाती है, उससे हजार गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर फ्री मिलेगी। तो आप इस चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं, यहां पे मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यहां मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, निवेश की बात कर रहा हूं। तो वहां पे हमें सीख के समझ के उसके बाद ही अगर हम निवेश करें तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, जो मैंने अपनी टॉप 10 बुक्स की लिस्ट आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर मैंने एक पैनी स्टॉक से संबंधित बुक का जिक्र भी किया था जिसका नाम था द कंप्लीट पैनी स्टॉक कोर्स। तो दोस्तों, अगर आप पैनी स्टॉक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा। अब दोस्तों, मैं यहां पे आपको उस किताब को रिकमेंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि पैनी स्टॉक के अंदर निवेश करने के लिए अगर आप ट्रेड भी कर रहे हैं तो हमें एक टोटली डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, एक अलग तरीके का माइंडसेट चाहिए। तो दोस्तों, जितना आप पैनी स्टॉक्स के बारे में समझेंगे आपका माइंडसेट उस तरीके से डेवलप होता जाएगा। दोस्तों, यहां पे जान लेते हैं कि पैनी का क्या मतलब होता है। दोस्तों, पैनी का मतलब होता है जो पाउंड है, जो यूके की करेंसी है, उसकी 1/100 वैल्यू को पैनी कहा जाता है। ये क्वाइन होता है, करेंसी है, या आप कह लीजिए कि किसी बड़ी करेंसी का एक छोटा हिस्सा है। अब दोस्तों, यहाँ पैनी स्टॉक की डेफिनेशन क्या होती है? दोस्तों, टेक्निकली अगर देखा जाए पैनी स्टॉक की डेफिनेशन होती है जो भी स्टॉक 10 रुपए या उससे नीचे ट्रेड कर रहा होता है और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम होती है, उन स्टॉक्स को हम पैनी स्टॉक्स कहते हैं। तो पैनी स्टॉक्स की कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। नॉर्मली इन स्टॉक्स की जो डिलीवरी परसेंटेज है वो काफी कम होती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि मोस्टली मैन्युपुलेटर या स्पेक्यूलेटर जो है वो काफी एक्टिव होते हैं इन स्टॉक्स के अंदर। दूसरा दोस्तों, इन स्टॉक्स की लिक्विडिटी बहुत कम होती है। जिन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता उन स्टॉक्स के अंदर आपको बहुत कम लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, और जिन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडर्स का काफी इंटरेस्ट होता है वो स्टॉक्स नॉर्मली इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत अच्छे
माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी भी पैनी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला फायदा ये होता है कि इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनीज होती हैं। और दोस्तों जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो छोटी कंपनी है उसके सामने ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी है या ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। दोस्तों बहुत बड़ी कंपनीज ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती हैं, उनके आगे जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है या उनको किस तरीके से ग्रो करना है, नॉर्मली उन कंपनीज को समझ नहीं आता कि हम कहाँ पर निवेश करें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों जो छोटी कंपनीज होती हैं आप उनके अंदर देखेंगे कि वो बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं, वहां पे उनको केवल एक सही दिशा की जरूरत होती है। तो दोस्तों जो ये पैनी स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज होती हैं, बहुत छोटी कंपनीज होती हैं, तो अगर ग्रोथ का पोटेंशियल देखा जाए तो इन कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू जो मिड कैप या लार्ज कैप कंपनीज हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो पैनी स्टॉक्स हैं उनकी मल्टीबैगर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, जबकि लार्ज कैप या जो मिड कैप कंपनीज हैं उनकी मल्टीबैगर बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। लार्ज कैप की सबसे कम होती है, मिड कैप की उससे थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं या जो पैनी स्टॉक्स हैं, जो पैनी कंपनीज हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है अगर वो कंपनी एक सही दिशा पकड़ ले। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो यूपीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, आइशर मोटर्स, टाइटन, ये स्टॉक किसी जमाने में पैनी स्टॉक्स हुआ करते थे। दोस्तों अगर आप 1998 से 2003 के बीच का पीरियड देखेंगे, उस समय आप देखेंगे कि यूपीएल का जो स्टॉक है वो लगभग 4 या 5 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, जो कि आज 650 रुपए का स्टॉक है और वो निफ्टी 50 के अंदर भी शामिल है। और टाइटन का जो स्टॉक है उस समय कुछ 3 या 4 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, जो कि आज 900 रुपए का है। आपने शायद सुना ही होगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी टाइटन के स्टॉक के अंदर उस समय निवेश किया था जब ये स्टॉक जो है पैनी स्टॉक हुआ करता था, और आपने देखा होगा कि कितने गुना ज़्यादा उनको रिटर्न मिला। इसके अलावा दोस्तों आइशर मोटर्स की अगर बात की जाए, आइशर मोटर्स का स्टॉक जो है 1998 के अंदर 10 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, जो कि आज 28,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक दोस्तों 8 या 10 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, जो कि आज 1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो चार कंपनीज हैं ये पैनी स्टॉक्स हुआ करती थी, लेकिन आज ये निफ्टी 50 के अंदर हैं, जो कि एक बहुत गर्व की बात है। निफ्टी 50 मतलब देश की टॉप 50 कंपनीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीबैगर जो हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं या जो पैनी स्टॉक्स हैं, उनके मल्टीबैगर बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सारी स्मॉल कैप कंपनीज मल्टीबैगर नहीं बनती, कुछ कंपनीज हैं वो बन सकती हैं, तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों तीसरा फायदा यहां पे क्या होता है कि किसी भी पैनी स्टॉक के अंदर अगर आप निवेश कर रहे हैं, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि आप किसी क्वालिटी पैनी स्टॉक के अंदर अगर निवेश कर रहे हैं, तो वहां पे आप हाई क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर कल को चल के वो जो कंपनी है वो एक टर्न अराउंड स्टोरी बन जाती है या उसके फॉर्च्यून्स चेंज हो जाते हैं, अगर वो एक अच्छी ग्रोथ दिखाती है, तो वहां पे आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को एक कम रेट के ऊपर खरीदा और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट के अंदर एग्जांपल दिया था कि कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक किसी टाइम पे 1-2 रुपए के आसपास होता था, मान लीजिए आपने उस समय उसकी 1000 क्वांटिटी खरीदी होती, और आज की डेट में जब वो 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप सोचिए कि 1000 को अगर उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मुनाफा कितने गुना हो सकता है। तो दोस्तों ये फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी के पैनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहां पे आप इस पॉइंट को अपने फायदे के तौर पे ले सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जग जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं पैनी स्टॉक्स के अंदर, तो रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला जो फंडा है वो पैनी स्टॉक्स के केस में बिल्कुल
फिट बैठता है। दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस स्टॉक के अंदर ट्रेडर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होता वहां पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो दोस्तों यहां पे मोस्टली जितने भी पैनी स्टॉक्स हैं उसके अंदर आपको बहुत कम लिक्विडिटी मिलेगी, और लिक्विडिटी कम होने की वजह से हो सकता है अगर आपने वो स्टॉक खरीदा हुआ है तो कल को आपको उसको बेचने में दिक्कत आए या खरीदने में आपको दिक्कत आए। तो दोस्तों आप लिक्विडिटी को जरूर कंसिडर करिएगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो भी पैनी स्टॉक्स की कंपनीज होती हैं उनके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। और नॉर्मली दोस्तों ये जो कंपनीज होती हैं काफी निश कंपनीज होती हैं, इनका जो बिजनेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, तो उसके बारे में बहुत सारे निवेशकों के लिए जान पाना बहुत मुश्किल होता है। वो समझ नहीं पाते कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आप HLL के बारे में बात करें तो आपको पता है कि ये कंपनी क्या करती है। अब मान लीजिए दोस्तों कोई एक छोटा पैनी स्टॉक है या पैनी कंपनी है जो कि HLL का वेंडर है और वहां पे जो फॉइल यूज होती है, पैकिंग के लिए जो फॉइल यूज होती है उसको वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप उस कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, और अगर आप उसके बारे में स्टैंड अलोन बेसिस पे स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कंपनी फॉइल बनाती है। लेकिन फॉइल बना के क्या करती है, कैसे करती है, आगे किस तरीके से एक्सपेंड करेगी, उसका ग्रोथ का क्या चांस है, ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है, उन सब के बारे में रिटेल निवेशकों के लिए जान पाना काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है रिटेल निवेशकों को, अगर वो पैनी स्टॉक के अंदर निवेश करना भी चाहते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये कंपनी क्या करती है, आगे ये किस तरीके से ग्रो करेगी। दोस्तों चौथा नुकसान होता है कि यहाँ पे मैनिपुलेटर और स्पेकुलेटर्स जो होते हैं उनके लिए इन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। एक पंप एंड डंप के बारे में आपने सुना होगा, तो नॉर्मली ये जो पैनी स्टॉक्स होते हैं ये फेवरेट होते हैं पंप एंड डंप स्ट्रेटजी के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटर की हमेशा वॉच होती है इन छोटी कंपनीज के ऊपर, और इन कंपनीज के अंदर फ्रॉड होना, स्कैम होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है। आपने काफी बार सुना होगा, काफी छोटी कंपनीज के बारे में सुना होगा कि वहां पे प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने कंपनी को बंद कर दिया, बैंकक्रप्ट हो गए, या वहां पे फ्रॉड हो गया, या इस तरह का स्कैम हो गया। तो दोस्तों ये कुछ नुकसान होते हैं पैनी स्टॉक्स या छोटी कंपनीज के अंदर निवेश करने के, तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए अगर आप इन कंपनीज के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों अब यहां पे मिलियन डॉलर क्वेश्चन आता है कि क्या हमें पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं कि निवेश करने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और ट्रेडिंग का जहां तक सवाल है दोस्तों उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि पैनी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है, वहां पे आपके नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो दोस्तों अगर आप निवेश करना भी चाहते हैं आप इस प्रीमिसिस के ऊपर निवेश करिए कि यहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई है और आपको रिटर्न भी हाई मिल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा कि ये कंपनी करती क्या है। नॉर्मली दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये निश कंपनीज होती हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी जो काम करती है उसका आगे ग्रोथ का क्या पोटेंशियल है, ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, आगे ये कंपनी किस तरीके से ग्रो कर सकती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको उसके फंडामेंटल चेक करने पड़ेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसी जो कंपनीज हैं अभी शुरुआत के अंदर लोन ले रखा हो उन्होंने, या वहां पे नुकसान चल रहा हो, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, यहां पे प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर्स ने कितने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। जैसा कि मैं आपको अपने वीडियोस के द्वारा बताता रहता हूं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है या पैनी स्टॉक्स हैं उसके अंदर अगर मान लीजिए प्रमोटर्स ने काफी सारी होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि प्रमोटर्स जो हैं उस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफी बुलिश हैं, उनको लगता है कि हम इस कंपनी को ग्रो कर पाएंगे, इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपको ये सब डेटा देखना वहां पे जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। दोस्तों यहां पे अगला पॉइंट आता है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर निवेश करना शुरू भी करते हैं तो वहां पे छोटे अमाउंट से करिए। आप देखिए कि क्या होता है, किस तरीके से कंपनी आगे अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, किस तरीके से स्टॉक का प्राइस मूव करता है। और हमेशा मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर निवेश करें वहां पे एवरेजिंग हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक के ऊपर करिए, ना कि गिरते हुए स्टॉक के ऊपर। तो यहां मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी यही होती है कि मैं छोटी पोजीशन से स्टार्ट करता हूं, अगर वो स्टॉक बढ़ना शुरू कर देता है तो वहां पे मैं अपनी पोजीशन को इंक्रीज करता रहता हूं। तो सेम स्ट्रेटजी आप पैनी स्टॉक्स के केस में लगा सकते हैं, छोटे अमाउंट से शुरू करिए, जैसे जैसे अगर वो स्टॉक बढ़ता जाए वहां पे आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते जाइए। जैसे मैंने निफ्टी 50 की चार
कंपनीज का एग्जांपल दिया, अगर मान लीजिए 1998 या 99 के अंदर मैं उन कंपनीज के अंदर निवेश करना शुरू करता तो शायद मैं छोटी क्वांटिटी से करता और जैसे जैसे वो कंपनी का स्टॉक बढ़ता जाता वैसे वैसे मैं उसके अंदर और बाइंग करता रहता ताकि मैं वहां पे नुकसान ना उठाऊं। दोस्तों यहाँ पे पांचवा पॉइंट है कि आप अपने निवेश को, जो भी पैनी स्टॉक्स के अंदर आप निवेश कर रहे हैं उसको आप क्लोजली वॉच करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा जो है वो हाई रिस्क के ऊपर है। इसके अलावा दोस्तों काफी बार मैंने देखा है कि जो निवेशक पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं वो काफी सारे अपने जो इन्वेस्टिंग के रूल्स उन्होंने बनाए होते हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है तो हमें यहाँ पे अपने कुछ रूल्स को रिलैक्स करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर मैं किसी पैनी स्टॉक के अंदर निवेश करता भी हूं तो वहां पे मैं किसी भी रूल को रिलैक्स नहीं करूंगा। जो भी मैंने रूल अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए हुए हैं या अपने निवेश के लिए बनाए हुए हैं उन सबको मैं जरूर फॉलो करूंगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी उसके अंदर फिट नहीं बैठती तो कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी और कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पे आप अपने निवेश को रिस्क पे मत लेके आइए। जो भी रूल्स आप फॉलो करते हैं निवेश के लिए उनको जरूर फॉलो करिए। दोस्तों लास्ट में मेरी तरफ से वर्ड ऑफ कॉशन यही है कि अगर आप पैनी स्टॉक्स के अंदर निवेश करते हैं तो केवल क्वालिटी पैनी स्टॉक्स के अंदर ही निवेश करिए। कुछ ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो कि फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं, मुनाफे के अंदर हैं, तो वहां पे अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हमें किसी पैनी स्टॉक के अंदर कुछ अमाउंट निवेश करना चाहिए तो आप ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स का चयन करिए जिनके अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। लेकिन दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैनी स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट होने की या मुनाफा कमाने की प्रोबेबिलिटी भी काफी लो होती है। अगर उसकी ग्रोथ का पोटेंशियल हाई है वहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है वो भी कम है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा आप एलोकेट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पैनी स्टॉक सबसे बड़े वेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं। आपने देखा होगा जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है सबसे ज्यादा पिटाई स्मॉल कैप की होती है, उसके बाद मिड कैप की, और लार्ज कैप इतने ज्यादा नहीं गिरते। तो दोस्तों अगर कोई पैनी स्टॉक है तो आप सोच सकते हैं अगर मार्केट की चेंज हो जाए तो वहां पे सबसे ज्यादा पिटाई इन्हीं स्टॉक्स की होगी और आपका निवेश खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए इनको रेगुलरली मॉनिटर करना भी जरूरी है, और वहां पे आपने जो हिस्सा डिसाइड किया हुआ है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का केवल 5% या 10% ही पैनी स्टॉक्स में निवेश करूंगा तो आप उस रूल को हमेशा फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि पैनी स्टॉक ने अगर मूवमेंट दिखानी शुरू कर दिया है तो आप वहां पे ज्यादा निवेश करना शुरू कर दें। जब तक आप श्योर नहीं है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तब तक वहां पे आप अपने निवेश के साथ ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जिन भी दर्शकों ने मुझसे पैनी स्टॉक्स के बारे में सवाल पूछे थे कि क्या हमें उनके अंदर निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सभी सवालों के जवाब मैंने आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, वो भी फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सके। यदि इस वीडियो का विषय आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से वीडियोस देखने पसंद हैं, कौन से वीडियोस आपको पसंद नहीं आते। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जिन भी स्टॉक्स की चर्चा की है वो केवल एक एग्जांपल और रेफरेंस के तौर पे है। यहां पे मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सलाह या राय नहीं है कि आप इन स्टॉक्स के अंदर बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश का निर्णय लें। और दोस्तों जिन भी बातों की चर्चा हमने आज के इस वीडियो में की है वो केवल एग्जांपल और रेफरेंस के तौर पे है। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ।